तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और वहाँ से टेंट हमारा हट चुका है, साइकिलें रेडी, जा रहे हैं एक दोबारा से उसी सफ़र पे कंप्लीट करने। देखते हैं आज कहाँ तक राइड कंप्लीट होगी। उसी विलेज में निकल रहे हैं, उस विलेज से ये है नेचर। चढ़ाने के बाद साइकिल को अब फील में बहुत ऊंचाई थी भाई, अब जाके ये नीचे रोड आ रहा है वो देखना आप, दिखाता हूँ। ओ भाई 31 34, ओ माय गॉड 36 38 39 40 41 42 पे टॉप स्पीड 42 है अभी, 43 टॉप स्पीड। हमारे राइट से ट्रेन जा रही है और ये हमारा रोड है, ऊंचा नीचा। एक और अपील भाई, कितने अपील हैं आप गिन नहीं सकते हो, कितने मेरे रास्ते में आगे जा चुके हैं। एक और है ये, देख रहे हो आगे और पता नहीं कितने होंगे। ओह ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, आगे चलते हैं। ये बोर्ड लगाने की क्या ज़रूरत थी, ये बोर्ड लगाने की क्या ज़रूरत है भाई, यहाँ पर तो हमें भी पता है कि 0% है। यहाँ पे एक ब्रेक लिया ब्रश करने को, क्योंकि जब से कैंपिंग करी है तब से मैंने ब्रश ही नहीं करा है, बड़ी मुश्किल से आज यहाँ पे ब्रश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई विलेज है, ये लिए थे कल उस गांव से, आज जैसे वो खा के काम चला रहे हैं। ब्रेकफास्ट यही है हमारा, शक्ल की बहुत बुरी हालत हो गई है। चीटिंग करते हैं ये, चीटिंग है भाई ये, देखो ये है चीटिंग। ओहो हो भाई, घोड़े पे सामान रख दिया था, घोड़ा बेकाबू हो रहा है, उसको लग रहा है कुछ गड़बड़ है। चढ़ के आया हूँ ये देख सकते हो, आगे एक और है। सामने पहाड़ों पे बर्फ़ दिख रही होगी लेकिन उसका कोई असर नहीं होता यहाँ पे भाई, बहुत गर्मी है, गर्मी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया सकती है तो मैं कैसे दिखाऊं, ना सर्दी ना हवा। तो भाई ये हालत है हमारी, देखो देयर इज हॉट फूड, गरम खाना है गुरु जी। यस यस हिंदी चाय। भाई यहाँ चाय ऐसे बनती है, देखो चीनी 2 चम्मच, ओ भाई बहुत ज़्यादा हो गई, मच्छी आ गई है, मच्छी, ये मच्छी पकौड़ा, मच्छी का मैं पकौड़ा ज़्यादा है और बाहर का ये हो गया चाय पत्ती, पूरी केटल है। पीछे एक ब्रेक लिया था रेस्टोरेंट पे तो हमें पता नहीं था भाई वहाँ पे 2 घंटे से ज़्यादा बैठ जाए तो बिल बन जाएगा, हम 2 घंटे से ज़्यादा बैठ गए
2000 टेंगी हो गया है। उनका स्पेस तो हम यूज़ कर ही रहे थे, लेकिन हमने खाना वगैरह वो खाया नहीं, रोटी वगैरह खाई, चाय वगैरह ली, फिश वगैरह ली, सब कुछ लिया। लेकिन पहले बता देते तो पता होता, फिर 10% सर्विस चार्ज भी था उनका। सर्विस चार्ज पहली बार देख रहा था मैं, अब कजाक में लिखा हुआ हमें तो पता नहीं भाई। फिर हम वहाँ से निकल के आ गए भाई। तो कहीं कहीं अलग कानून होते हैं, कहीं कहीं कोई हेल्प कर देता है कि बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा ब्रेक लिया है, दोनों साइकिल वहाँ खड़ी कर दी है, पानी ख़त्म हो गया है, देखते हैं पानी मिलता है या नहीं। ओहो बहुत गर्मी है भाई। और ये है कुछ गांव का नज़ारा, कुत्ता जा रहा उधर से, मैं डर गया, मैंने कहा भेड़िया तो नहीं है, जंगली कुत्ते हैं, खेत है ये पूरा का पूरा, अपने इंडिया जैसा लग रहा है खेत को देख के और इन पेड़ों को देख के। हमारे इंडिया में भी यही पेड़ होते हैं। सामने वो पहाड़ है, देखने में बहुत पास लग रहा है लेकिन बहुत दूर है, कम से कम यहाँ से 10 किलोमीटर होगा, नहीं तो 5 कम से कम। फोटो में देखे थे सिर्फ, इतने बड़े और इतने भारी वाले, सामने से तो बहुत हैवी है भाई ये, जैसे फ़ोटो में दिखते हैं वैसे ही हैं। भाई 7:30 हो गए हैं और अभी भी हम रास्ते में ही हैं, देख सकते हो नज़ारे। ये पहाड़ धीरे 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 करके और करीब आ गया और एक और डाउन हिल आ गया 4%, देखते हैं कितनी स्पीड में जा पाते हैं। ओके आगे मिलते हैं। अब जाके थोड़ा सा रोड जो है सीधा आया है, मतलब ऊपर नीचे नहीं है, ये देख सकते हो, सस्ता यूरोप कह सकते हो इसे आप, यूरोप ही है लेकिन सस्ता है। सफाई वही है, डिसिप्लिन वही है, सब कुछ सेम है, लोग भी कम हैं और मौसम भी अब ठंडा हो रहा है। रात को जैसे होता है धूप ख़त्म हो जाती है तो ये बर्फ़ें जो हैं अपना काम दिखाना शुरू कर देती है। अब ये बर्फ़ जो है ठंड का असर दिखाएगी रात होते ही, और सुबह तक रहता है ये असर ठंड का, बहुत ही चिल्ड। सामने एक होटल है, पता करते हैं वहाँ क्या प्राइस है। भाई बिना पैडल के साइकिल अपने आप भाग रही, देखो ये देखो रास्ता, मैं पैडल भी नहीं मार रहा हूँ भाई। क्या होता है कहीं 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 तो ऐसा रास्ते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हो बिना पैडल के। भाई ये देखो पीछे बिना पैडल के, मतलब पता नहीं चल रहा भाई ग्रेविटी किस तरीके से है यहाँ पे। दूर से देखने में रोड एकदम सीधे नज़र आते हैं, पास जाते हैं तो फिर ऊपर हो जाते हैं, फिर नीचे हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये होटल लिया हमने आज रात के लिए, ये ही जो सामने आप देख रहे हो। तो आज रात यहाँ पे हमें 12,000 रुपये टेंगी देने पड़ेंगे। चलो दिखाते हैं भाई होटल, यू नीड टू पे फर्स्ट है, सबसे पहले पैसे देने होते हैं यहाँ पे, चेकआउट बाद में, पहले पेमेंट। 12,000 रुपये का है यहाँ पे दो बंदे का, 7 बंदे का 1,000 रुपये। ये क्या है 101, पता नहीं भाई, सबके लिए एक ही रेट है। ये होटल है, ये होटल है 12,000 टेंगी में, आपको ये भी मिलेगा, देख रहे हो, देख रहे हो इधर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं,
और अब मैं रूम टूर कराता हूँ आपको। रूम टूर ये है, रूम नंबर 207, स्मार्ट लॉक है। और ये बाथरूम है, पहले बाथरूम ही दिखा देता हूँ आपको। बाथरूम मतलब ऊपर बट ये देख रहे हो, सही है। अभी यहाँ मैं कुछ बुरी हालत में छोड़ा हूँ, ये टाइल्स काफ़ी अच्छी लगी हुई है। बाथरूम कुछ ज़्यादा बड़ा है, टॉप रखने के लिए। ये है हमारा बाथरूम, पानी लीक हो रहा है उसमें हल्का सा। चलो इसे बंद कर दिया। सामने मिरर और ये दिया हुआ है पहनने को, पहले इसी को पहनने को घूमना है। और बताते हैं आपको, ये रूम हीटर है, ठंड में चलाने के लिए होता है, ठीक है। ये कुछ दिया हुआ है इन्होंने, पता नहीं, सोनी का टीवी है। ये विंडो है, पर्दे, यहाँ भी रूम हीटर, यहाँ पर दो टेबल, यहाँ पर विंडो, और यहाँ पे अपना फिर से नज़ारे देखो, नज़ारे। ओहो हो, यही तो मैं चाह रहा था, विंडो वाली सीन। क्या बात है, इसको बंद करते हैं, कुछ और देखते हैं। ओह, रूम काफ़ी गर्म है, सही है। यहाँ पे टेलीफोन है, रिमोट है, लगेज दिया हुआ है। ये कुछ ऊपर से वॉल, वॉल में क्या किया हुआ है इन्होंने, वॉल डिज़ाइन किया हुआ है भाई, पेंट करके कुछ अलग ही टाइप का है। एसी कहीं नहीं है, एसी भूल जाओ, एसी अंदर होगा, इंटरनल। चलो ठीक है, अब ब्लॉग ख़त्म करते हैं आज का।